हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए टॉप 5 बेस्ट ऑफलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स यहाँ पर लेकर आ गया हूँ, यानी कि ऐसे गेम्स जिन्हें आप बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के अपने दोस्तों के साथ में मल्टीप्लेयर खेल सकते हो। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, तो जिन लोगों ने भी इस वीडियो को नहीं देखा जल्दी से अगर उस वाले वीडियो को देख लो। उस वीडियो की लिंक मैं आप लोगों को आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख लेना। इस लिस्ट में रखे हुए सभी गेम्स अलग अलग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कोई शूटिंग गेम है तो कोई रेसिंग गेम है। इन सभी गेम्स की जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो आप लोगों को काफी अच्छी मिलेगी। तो गाइज यार, वीडियो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, बिना स्किप करे इस वाले वीडियो को पूरा देख लेना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो आप इस वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब बटन के साथ में आप लोगों को एक बेल वाला आइकन भी दिख रहा होगा, उसे भी आप लोगों को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। इससे होगा कि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के अपनी ऑफलाइन मल्टीप्लेयर की सीरीज को मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। और बात करते हैं अपनी सीरीज में आने वाले फर्स्ट गेम की। गेम का नाम है पपेट फाइटर। इस गेम का डाउनलोडिंग साइज होगा 167 MB और ये वाला गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है। इस लिस्ट में रखे सभी गेम्स एक जैसे, सिर्फ इस वाले गेम को छोड़कर। बाकी सभी गेम्स में आपको मल्टीप्लेयर खेलने के लिए दो फोन की जरूरत होगी, पर इस गेम में आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक फोन में। अब आपको लगेगा एक फोन में दो बंदे खेलेंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, पर रियलिटी है कि जब आप एक फोन में दो बंदे खेलते हो तो मजा डबल हो जाता है। ये आपको मेरे बोलने पर समझ नहीं आएगा, आप लोगों को खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इस गेम के अंदर कई सारे अलग अलग कैटेगरी के गेम अवेलेबल है, टोटल 7 गेम आप लोग को इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास खेलने के लिए अपना कोई दोस्त नहीं है तो आप कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हो। गाइस यार, नो डाउट गेम जो है काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों के पास सिर्फ एक स्मार्टफोन है और आप चाहते हो कि आप मल्टीप्लेयर खेलो तो आप इस वाले गेम को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ में बढ़ते आगे बात करते हैं अपनी सीरीज में आने वाले सेकंड गेम की। गेम का नाम है माइनक्राफ्ट। इस वाले गेम का डाउनलोडिंग साइज होगा 140 MB और ये वाला गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है। तो गाइस यार, शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो कि माइनक्राफ्ट गेम के बारे में नहीं जानता होगा। 10 साल पुराना ये गेम जिसकी पॉपुलैरिटी आज तक कम नहीं हुई है। इस गेम की पॉपुलैरिटी आज भी बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज भी इस वाले गेम को अपने लाइव स्ट्रीम पर खेलते हैं। तो ये एक सिंगल प्लेयर आर्केड स्टाइल का सिमुलेशन गेम है। गेम के अंदर ओपन वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा। मैप जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, आप इस गेम में अपने हिसाब से किसी भी चीज को बना सकते हो। बहुत से लोगों को ये वाला गेम समझ ही नहीं आता और बहुत से लोगों को ये वाला गेम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक माइनक्राफ्ट गेम को नहीं खेला तो आप इस गेम को जरूर से खेलना, आपको डेफिनेटली गेम पसंद आएगा। तो इसी के साथ में बढ़ते आगे और बात करते हैं अपनी सीरीज में आने वाले थर्ड गेम की। गेम का नाम है एस्पाल्टेट। इस गेम का डाउनलोडिंग साइज होगा 2.23 GB और ये वाला गेम भी पूरी तरह से ऑफलाइन है। तो गाइस, ये एक बहुत ही ज्यादा कमाल का रेसिंग गेम है। गेम के अंदर आप लोग को कई सारे अलग अलग तरह की कार देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों ने जो सुपर कार्स मूवी वगैरह में देखी है वो भी आप लोग को इस गेम के अंदर देखने को मिलते हैं। आप अपनी पसंद की कार इस गेम के अंदर ड्राइव कर सकते हो। गेम का जो गेम प्ले एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। गेम की जो विजुअल और जो टेक्सचर क्वालिटी है वो आप लोग को काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। रेसिंग कैटेगरी में इससे बेस्ट गेम शायद ही कोई सा मिलेगा। ऑफलाइन मल्टीप्लेयर का सपोर्ट तो आप लोग को सभी गेम्स में देखने को मिलेगा ही, और साथ ही साथ गेम के अंदर कई सारे मैप भी अवेलेबल है। बस गेम का जो डाउनलोडिंग साइज है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है, पहले इस वाले गेम का साइज इतना बड़ा नहीं था। टाइम के साथ साथ इस वाले गेम का साइज बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा गेम के अंदर कई सारे कटसीन भी देखने को मिल जाते हैं जो गेम को एक अच्छा लुक प्रोवाइड कर देती है। तो गाइस यार, नो डाउट गेम जो है काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को एक रेसिंग गेम चेकआउट करना था तो आप इस गेम को जरूर से डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ में बढ़ते आगे बात करते हैं अपनी सीरीज में आने वाले फोर्थ गेम की। गेम का नाम है अमंग अस। इस गेम का डाउनलोडिंग साइज होगा 140 MB और ये वाला गेम पूरी तरह से ऑनलाइन है। तो गाइस यार, अमंग अस भी एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है। ये एक ऑनलाइन गेम है, आपके दिमाग में वाला क्वेश्चन शायद से आ रहा होगा। तो गाइस, ये एक ऑनलाइन गेम है पर आप इसे ऑफलाइन भी खेल सकते हो। इस गेम में कई सारे प्लेयर ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं जिनमें से एक या फिर दो इम्पोस्टर होते हैं और बाकी के जो बचे मेंबर होंगे वो क्रिएट मेंबर होंगे। अगर आप क्रिएट मेंबर बनोगे तो आपको सभी लोगों की तरह टास्क को कंप्लीट करना होता है, पर अगर आप इम्पोस्टर बनते हो तो आप लोगों को क्रिएट की नकल करनी पड़ती है और बाकी के सभी प्लेयर्स को मारना होता है। गेम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इस गेम का कॉन्सेप्ट बाकी लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया है कि इस गेम के बहुत सारे कॉपीज भी बन चुके हैं। तो आप चाहे तो क्लोन वर्जन को भी खेल सकते हो, पर मेरा मानना तो ये है कि आप ओरिजिनल गेम को ट्राई करो। और ग्राफिक्स क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हो, काफी सही है, कंट्रोल्स भी काफी हद तक सिंपल है। गेम नो डाउट काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को वाला गेम पसंद आए तो इस गेम को जरूर से चेकआउट कर लेना। इसी के साथ में बढ़ते आगे बात करते हैं अपनी सीरीज में आने वाले फिफ्थ गेम की। गेम का नाम है मिली मिलिटिया। ये वाला गेम पूरी तरह से ऑफलाइन है और गेम का डाउनलोडिंग साइज होगा 43 MB। ये वाला गेम आप लोगों को 50 MB से भी कम के साइज में देखने को मिल जाएगा। ये एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का शूटिंग गेम है। गेम के अंदर काफी अजीब अजीब से छोटे छोटे से कैरेक्टर है
आप लोगों को उड़ते उड़ते शूटिंग करनी पड़ती है। गेम की जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो भी नो डाउट काफी ज्यादा अच्छी है। अगर आप गेम को ऑनलाइन खेलते हो तो 6 प्लेयर ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, जो कि इस पूरी दुनिया में कहीं से भी हो सकते हैं, और 6 प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को मारते हैं। गेम खत्म होने के बाद जिसके किल सबसे ज्यादा होते हैं वो इस गेम का विनर बनता है। तो गेम काफी अच्छा है। अगर आप लोगों के पास एक लो एंड डिवाइस है, 1 या फिर 2 GB रैम वाला डिवाइस, तो आप इस गेम को जरूर से चेकआउट कर सकते हो। तो गाइस इसी के साथ अपनी वाली जो वीडियो है वो खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस को हमेशा देखते रहने के लिए इस वाले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोगों को किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिस टॉपिक को अभी तक मैंने कवर नहीं किया, तो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और गाइस तब तक के लिए आप इस वाले गेम को एंजॉय करो। मैं आपसे किसी ऐसी अमेजिंग वीडियो में दोबारा मिलता हूँ।